राजस्थान विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा की परिवर्तन यात्रा कल से शुरू हो गई है। इस यात्रा के बाद रविवार को डूंगरपुर में गृह मंत्री अमित शाह दूसरी यात्रा को रवाना करने पहुंचे। ये यात्रा 19 दिनों में 52 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। इस मौके पर शाह ने अशोक गहलोत को उखाड़ फेंकने की बात कहते हुए राजस्थान में तुष्टिकरण राजनीति पर सवाल उठाए। इतना ही नहीं, इसके साथ ही शाह ने वसुंधरा राजे की भी तारीफ की। शाह ने कहा कि गहलोत साहब, मैं आपको चुनौती देता हूं कि आपने अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या किया है उसका हिसाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दो। अमित शाह ने कहा, वागा शेड के सभी देवस्थानों से हमें आशीर्वाद मिलता रहता है। परिवर्तन यात्रा राजस्थान में बदलाव लाने का काम करेगी। जब परिवर्तन यात्रा अपना पूरा काम कर लेगी, तब गहलोत सरकार के जाने का निश्चय हो जाएगा। अमित शाह ने मुख्यमंत्री से पूछा कि 10 साल तक यूपीए सरकार ने राजस्थान को क्या दिया है। उन्होंने गहलोत पर हमला करते हुए कहा कि मैं बनी का बेटा हूं और हिसाब लेकर आया हूं। शाह ने राजस्थान में मोदी सरकार की ओर से किए गए विकास कार्यों को भी गिनाया। 80,000 किसानों को सीधे उनके खाते में राशि जमा कराने जैसे मुद्दे को लेकर भी उन्होंने जनता के सामने रखा। इसके साथ ही शाह ने जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, मोदी जी पैसे भेजते हैं लेकिन गहलोत उनसे घोटाले कर रहे हैं। वहीं गहलोत सरकार की तुष्टिकरण नीति पर भी शाह ने जमकर हमला किया। उन्होंने कहा, उदयपुर में कन्हैया लाल का गला काट दिया, हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाए गए। इसके साथ ही संघ का पद संचालन प्रतिबंधित किया गया। इसके साथ ही शाह ने कहा कि लोगों से 2024 के लोकसभा चुनावों में 25 की 25 सीटों पर मोदी सरकार को देने का आह्वान किया और साथ ही गहलोत सरकार का सूपड़ा साफ करने की भी बात कही। चुनावों में भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे को घेरने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि भाजपा की ये परिवर्तन यात्रा क्या रंग दिखाती है। लोकवार्ता न्यूज़, जयपुर।